अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आइए आज बनाते हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सेवैयाँ ली हैं, ये मैंने तकरीबन एक कप ली हैं। 4 लीटर मैंने डबल क्रीम मिल्क लिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रीम वाला है। इंडिया पाकिस्तान में आप अच्छा भैंस का जो मलाई वाला दूध होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बहुत अच्छा शीर खुरमा बन सकता है। 1 कप भरकर मैंने पिस्ते लिए हैं, ये स्लाइस पिस्ते हैं। 1 कप भरकर ही मैंने बादाम लिए हैं। मैंने और कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं, अगर आप चाहें तो काजू या चिरौंजी या जो भी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप ही मैंने शक्कर भी ली है, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो उसके हिसाब से डालें। 3 से 4 चम्मच मैंने घी लेना है। 10 से 11 हरी इलायची मैंने ली है, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा फोड़ देना है मिल्क में डालने से पहले। और यहाँ पर मैंने ये तकरीबन आधा चम्मच समझ लीजिए ज़ाफ़रान है, बहुत छोटी सी बॉटल है, ये ज़ाफ़रान मैंने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस लिया है, जिसको मैंने तकरीबन समझ लीजिए 2 से 3 ड्रॉप ही इस्तेमाल करना है। 4 लीटर दूध मैंने ये बड़े एल्युमिनियम के पतीले में रख दिया है। एल्युमिनियम का पतीला इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें दूध नीचे काला नहीं होता है, इसकी मलाई अच्छी आती है, तो इस पतीले में मैंने ये दूध चढ़ा दिया है। और अब मैंने इसको पकाना है। हरी इलायची है ये भी मैंने डाल देनी है, और अब इसके बाद इसको मैंने पकाना है, धीमी आँच पे पकाना है। पहले उबाल आ जाए उसके बाद मैं आँच धीमी कर दूंगी, और इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक 1/4 इसमें से कम ना हो जाए, मतलब 3/4 बचना चाहिए। दूध को पकाते हुए 1 घंटा हो गया है, और ये देखिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर बार बार मलाई जम रही है, जिसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। आप चाहे तो अलग से निकाल के भी मलाई रख सकते हैं, और एट द एंड जो है बाद में भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर। दूध का कलर भी अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान डालना है। ज़ाफ़रान मैंने तकरीबन समझ लीजिए आधा डाल देते हैं, जितना मेरे पास है यहाँ पर मैं उसमें से आधा डाल देती हूँ ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान अगर अच्छा वाला होगा तो खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी और कलर भी अच्छा आएगा। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप ज़ाफ़रान अवॉइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ वनीला की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़ाफ़रान से जो है कलर भी अच्छा आता है और एक सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है जो दूध को जो है अच्छा रिच बना देती है। बस अब मैंने इसको और पकने छोड़ देना है, समझ लीजिए तकरीबन 1 घंटा और मैंने इसको ऐसे ही पकाना है। दूध को पकते हुए 1 घंटे हो गए हैं, और ये देखिए इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब मैंने दूसरे चूल्हे पर एक बर्तन रखा है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा घी डालना है। जो मैंने 2-3 चम्मच घी बताए थे उसमें से समझ लीजिए मैंने ये 1 चम्मच घी डाल देना है। घी डालने के बाद घी के अंदर मैंने ये बादाम और ये पिस्ता जो है ये मैंने डाल देना है। और अगर आप अगर कोई और ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि चिरौंजी या काजू, तो आप वो भी जो है स्लाइस किए हुए डाल सकते हैं। और इसको मैंने धीमी आंच पे भूनना है क्योंकि ये जल्दी जल सकते हैं, इस वजह से धीमी आंच पे बस इसको मैंने घी में हल्का सा रोस्ट करना है। घी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस घी इसको इसकी स्किन को जो है सिर्फ टच होना चाहिए, और हल्के हाथ से इसको जो है हमने रोस्ट कर लेना है। ये अब अच्छे से फ्राई हो गया है, मैं बता दूं आपको, ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गया है रोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। अब इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल कर गार्निशिंग के लिए रख देना है, जो कि मैं बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये बाकी सारा का सारा मैंने इस मिल्क में जो है दूध में डाल देना है, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला था, तो ये आसानी से आप ऐसे ही इसको पलट सकते हैं। अब उसी बर्तन में मैंने थोड़ा और घी डाल दिया है, और उसके अंदर अब मैंने ये सेवैयाँ डालनी है, और इसको मैंने धीमी आंच पे रोस्ट करना है, बिल्कुल भी धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है, वरना ये जल सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया 1 कप ही सेवैयाँ ली हैं मैंने, ज़्यादा नहीं है, आप इसको चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेवैयाँ ज़्यादा डालेंगे तो ये शीर खुरमे की जगह पर जो है सेवैयों वाली खीर बन जाएगी, इस वजह से शीर खुरमे में सेवैयाँ थोड़ी कम ही डालनी चाहिए ताकि मिल्क उसमें ज़्यादा हो और उसका जो है वो खीर जैसा टेक्सचर ना आए। सेवैयों को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं, धीमी आंच पे इसको भूना है। अब मैंने यही सेवैयाँ उठा के ऐसे इस मिल्क के अंदर, इस दूध के अंदर डाल देना है,
और इसके अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला था, एक चम्मच ही डाला था, तो बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं होगी इसको डायरेक्टली डालने में, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब बस मैंने इसको पकने देना है तकरीबन और आधा घंटा। इसको पकते हुए तकरीबन आधे घंटे हो गए हैं। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ये शक्कर डालना है। शक्कर जैसे मैंने बताया कि आप अपने हिसाब से डाल लीजिए कम ज़्यादा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं शीरखुरमे की शक्ल काफ़ी अच्छी हो गई है। कुछ 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डालना है, ये एक सीक्रेट है समझ लीजिए। वनीला एसेंस 3 से 4 बूंदे डालने की वजह से इसकी जो दूध की जो स्मेल होती है वो जो है मर जाती है, और ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर वनीला डला हुआ है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है दूध की। अब बस मैंने इसको शक्कर घुलने तक पकाना है और चूल्हा बंद कर देना है। ये शीरखुरमा तैयार हो गया है, ऊपर एक अच्छी सी मलाई जो है वो जम गई है। ये बहुत ही सिंपल और आसान शीरखुरमा पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको घर पर बनाइए, ईद पर बनाइए, बग़ैर ईद के बनाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत आसान है, कम चीज़ें हैं और वनीला का फ्लेवर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। इसको एक बार घर पर ज़रूर बनाइए। ये आसान सा शीरखुरमा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।